दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में अर्णब गोस्वामी की जमानत की याचिका जो है उस पर सुनवाई शुरू हो चुकी है। जस्टिस इंद्रजीत और जस्टिस चंद्रचूर जो है वो उनकी सुनवाई करेंगे जमानत याचिका पर। वहीं मैं आपको बता दूं, मुंबई हाई कोर्ट ने जो है उनकी जमानत याचिका को खारिज कर दिया था और कहा था कि आप निचली अदालत में जो है जा सकते हैं। और कल अर्णब गोस्वामी के वकील ने दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाल दी थी। तो आज जो है अब सुनवाई शुरू हो चुकी है, कुछ ही समय में फैसला आ सकता है। और जो बेल एप्लीकेशन है जो दिल्ली सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई है, उसमें अर्णब गोस्वामी ने यह अपील की है कि अर्णब ने इस याचिका में महाराष्ट्र सरकार के साथ ही अलीबाग थाने के प्रभारी मुंबई के पुलिस कमिश्नर परमवीर सिंह को पक्षकार बताया है और कहा है कि वो जो है उन्होंने जो पूरा का पूरा एक्शन लिया अर्णब के खिलाफ वो गलत था। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने भी सुप्रीम कोर्ट में केवीएट दायर की है और कहा है कि उनका भी पक्ष सुना जाए अर्णब गोस्वामी की याचिका पर किसी भी तरह का आदेश देने से पहले। तो महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के अलीबाग थाने के पुलिस ने 4 नवंबर को इंटीरियर डिजाइनर और आर्किटेक्ट अन्वे नाइक के सुसाइड के मामले में अर्णब गोस्वामी को गिरफ्तार किया था। बॉम्बे हाईकोर्ट ने जो है उनकी बेल याचिका खारिज कर दी थी। वहीं आज एक और बड़ा फैसला आएगा, जहां पर आज सेशन कोर्ट जो है अलीबाग की, मुंबई पुलिस ने इस बात की याचिका दी थी कि वो अर्णब को कस्टडी में लेकर पूछताछ करना चाहती है, तो उस पर भी आज अलीबाग की सेशन कोर्ट में फैसला आने वाला है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के बाहर जो है आज अर्णब गोस्वामी के सपोर्टर्स की भीड़ है और हर कोई इस बात का इंतजार कर रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में क्या फैसला आता है। फिलहाल जो है शुरू हो चुका है और कुछ ही समय में इस पर फैसला आ जाएगा। फिलहाल जो है पहले दलीलें सुनी जाएंगी, तो जो भी फैसला आता है हम आप तक लेकर जरूर आएंगे।